ये इतिहावा अशोक स्तंभ का सामान्य ज्ञान विकिपीडिया से। कपिल वस्तु जिले का प्राचीन इत्थल कुदन के पास गोटिहावा, गोटिहावा की पहचान उस पवित्र स्थान के रूप में की जाती है जहाँ कृपछंद बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और अपने ज्ञान के बाद अपने पिता से मिले थे। सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में इस स्थल का दौरा किया, अशोक स्तंभ का निर्माण किया और एक बड़ा स्तूप बनवाया जो संभवतः कृपछंद बुद्ध को समर्पित था। अशोक स्तंभ का टूटा हुआ हिस्सा 3.25 मीटर ऊंचा है और इसका व्यास 83.779 सेंटीमीटर है। स्तंभ एक चिनाई वाले तहखाने पर स्थित है। बहुत पहले टूटा हुआ स्तंभ का ऊपरी हिस्सा शिलालेख आज तक गायब है। वर्तमान गांव के मध्य में एक प्राचीन कुआं है जिसका उपयोग आज भी ग्रामीण करते हैं और दक्षिण में एक प्राचीन जलकुंड तालाब है। प्रमुख प्रारंभिक चीनी यात्री फायान 339 से 413 ईस्वी और हुएन टंग 636 ईस्वी ने अपने यात्रा वृतांतों में अशोक राजा द्वारा कृपछंद बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में गोटिहावा के अस्तित्व और एक पत्थर के स्तंभ के निर्माण के बारे में वर्णन किया है जिस पर शेर का प्रतीक है। शोधकर्ता डॉक्टर एल ए बाडेल ने खंडहरों के टीले पर एक खाई को काटा और स्तूप पाया जिसका व्यास 22 मीटर था और इसके चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा पथ था। नेपाली और इतालवी संयुक्त उत्खनन दल ने 1993 में इस स्थल की खुदाई की थी और 10वीं से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री या 4थी शताब्दी ईस्वी तक की मानवीय गतिविधियों के अवशेष मिले थे।